जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। आज हम बात करेंगे कि सेंस आर्गन क्या होता है। सेंस क्या होता है, जिसको ज्ञानेंद्रिया कहा जाता है हिंदी में। सेंस आर्गन क्या होता है, बाहरी वातावरण से हमको जो कुछ आभास होता है कि कुछ हो रहा है, हम लोग कुछ सुन रहे हैं या कुछ हम लोग सूंघ रहे हैं या कुछ हम लोग देख रहे हैं, ये सब क्या है। ये सब हमारे अंदर ज्ञानेंद्रियाँ काम कर रही हैं, जिनको सेंस आर्गन कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। आइए अब हम देखते हैं सेंस आर्गन के बारे में कि हमें कौन कौन से आर्गन हैं जो हमें सेंस करवाते हैं, मतलब बाहरी वातावरण से वस्तुओं का ज्ञान करवाते हैं। तो सेंस आर्गन को क्या कहते हैं, बाहरी वातावरण का ज्ञान, जो हमारे शरीर के बाहर जो कुछ भी घटित हो रहा है, कोई भी घटना घटित हो रही है, तो उसका ज्ञान करवाना ही सेंस आर्गन का वर्क होता है। बाहरी वातावरण का ज्ञान अथवा सेंस करवाना या फिर ज्ञान करवाना ही जो है सेंस आर्गन का मेन काम होता है। अब ये इनकी संख्या होती है 5। ये 5 होते हैं सेंस आर्गन जो होते हैं, वो 5 होते हैं ह्यूमन बीइंग में। एक हो गया त्वचा, जिसको इंग्लिश में स्किन कहा जाता है, ठीक। दूसरा आ गया नाक, नोज है आपका, फिर जीभ है, फिर उसके बाद कान है आपका, फिर आँख है। ये आपके जो सेंस आर्गन है ये 5 है। अब जो है एक एक करके हम इन सेंस आर्गन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा स्किन। स्किन जो होता है, इसका जो वर्क है इसके बारे में बात करते हैं। स्किन, पहले स्किन के बारे में अगर कोई स्टडी कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे। स्किन का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। स्किन का अध्ययन किस में किया जाता है, डर्मेटोलॉजी में, जिसमें स्किन का जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिस विभाग में बायोलॉजी के, उसको जो है डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक। अब ये स्किन किससे बना होता है, स्किन बना होता है संयोजी ऊतक से। संयोजी ऊतक क्या होते हैं, संयोजी ऊतक वो होते हैं जिनको आप लोग पानी में रखे रहिए कुछ देर तक, जिन टिश्यू को, उनमें जो है स्वेलिंग ना आए, मतलब वो फूले ना। आप लोग नहाते होंगे, 2-2 घंटा 3-3 घंटा आप नहाइए, लेकिन आपकी जो स्किन है वो कभी स्वेल नहीं करेगी, मतलब फूलेगी नहीं, उसको संयोजी ऊतक कहते हैं, ठीक। कनेक्टिव टिश्यू एक होता है, वो हमारी बॉडी के पूरे आर्गन को जोड़ कर रखता है, उसको कनेक्टिव टिश्यू कहें। संयोजी ऊतक को हम लोग अगर पानी में रखते हैं तो उसमें स्वेलिंग नहीं आती है, ठीक। अब इनकी जो होती है लाइफ साइकिल कितनी दिन तक होती है, जो हमारे अंदर संयोजी ऊतक है, जो जिससे स्किन हमारा बना हुआ है, उसकी लाइफ कितने दिन तक होगी। उसकी लाइफ जो होती है बेसिकली 4 वीक। 4 वीक का मतलब 28 दिन, लगभग एक महीना होता है 28 दिन, ठीक। ये डिपेंड करता है एज पर। ये किस पे डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए आप लोग बहुत कोई वृद्ध व्यक्ति हो गया है, तो उसके स्किन का एज जो है, उसके स्किन की लाइफ साइकिल बहुत कम समय में जो है स्किन की लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी। कोई यंग है तो बेसिकली 4 वीक होता है, मतलब 28 दिन। ये डिपेंड करता है हमारी उम्र पर, मतलब एज पर हमारे डिपेंड करता है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है हमारा त्वचा है, हमारी स्किन है सबसे बड़ा अंग। और अगर कोई पूछता है शरीर के अंदर कौन सा सबसे बड़ा अंग है, शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग है तो वो है हमारा लिवर, ठीक। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हमारा स्किन है, और शरीर के अंदर क्या है, लिवर है। शरीर में जो है लिवर है सबसे बड़ा अंग। अब ये इसका जो वर्क होता है, ये जो स्किन होती है वो क्या क्या काम करती है हमारे शरीर में। स्किन का वर्क होता है, ये रक्षा करता है कीटाणुओं से। जो बाहरी कीटाणु होते हैं स्किन पे अगर आ गए तो उससे जो है कीटाणुओं से जो है स्किन हमारी रक्षा करता है। इसमें जो है लाइसोजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लाइसोजाइम पाए जाते हैं, वो जो होता है कीटाणुओं को खत्म कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है। और इसका जो मेन वर्क क्या होता है, ये जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जिसको अल्ट्रा वायलेट रे कहा जाता है, इनसे जो है हमारे स्किन को रक्षा करता है, ठीक। ये जो है हमारे शरीर को किससे वर्क इसका क्या है, स्किन का, इसने तो पहले रक्षा किया कीटाणुओं से, लाइसोजाइम इसमें पाए गए, ये जो है कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो यूवी रेज होती हैं, उसको जो है हमारे शरीर के अंदर जो है पहुंचने से रोकता है। इसमें जो है मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन एक रसायन है जिसको केमिकल कहते हैं, ठीक। मेलानिन क्या है, ये एक एंजाइम है, समझ लीजिए। ये क्या काम करता है, ये रंग को बनाता है, मतलब जिसके अंदर मेलानिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी उसका रंग जो होता है सांवला होता है। कोई व्यक्ति अगर सांवला है, बहुत ज़्यादा सांवला है, तो उसके अंदर मेलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक। अगर मेलानिन की मात्रा कम है, तो मेलानिन की मात्रा अगर कम है तो उसका रंग गोरा हो जाएगा, ठीक। गोरा रंग होता है मेलानिन की मात्रा जिसमें कम होती है,
और गोरे रंग वाले लोगों को जो है स्किन कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि उनके अंदर मेलेनिन जो होता है वो कम पाया जाता है, वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को जो है स्किन नहीं रोक पाता है, इसलिए उनके उनके अंदर स्किन स्किन का जो कैंसर होता है वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये क्या करता है, ये यूवी रेज को रोकता है। मेलेनिन का मेन फंक्शन क्या होता है, ये कलर को बनाता है, जिसके अंदर मेलेनिन सबसे ज़्यादा पाई गई, उसका रंग जो होता है सांवला होता है या डार्क ब्लैक टाइप का होता है, जिसके अंदर मेलेनिन की मात्रा कम पाई गई उसका रंग सफ़ेद होता है, लेकिन जिनका रंग सफ़ेद होता है गोरे होते हैं, जो उनके अंदर स्किन कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और क्या होता है, हमारी स्किन और क्या करती है, विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। विटामिन डी जो होता है वो सूर्य की किरणों से बनता है हमारे शरीर में, स्किन विटामिन इसको कहा जाता है, या इसको एक नाम और दिया गया है, इसको हार्मोन्स भी कहा जाता है। जो विटामिन डी होता है इसको हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बना के रखता है। विटामिन डी का क्या मेन फंक्शन होता है, हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बना के रखता है। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो ठंडक के सीजन में आप लोग देखते होंगे कि बच्चे को उसकी माँ धूप में ले जाकर तेल मालिश करती है, ऐसा क्यों, अगर विटामिन डी उसको मिलता रहे जिससे हड्डियाँ उसकी मजबूत हो जाएं, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं लोगों की। अब और क्या करता है, ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, टेम्परेचर को भी हमारे शरीर के मेंटेन करने का काम कौन करता है, स्किन करता है, ठीक। ये क्या करता है, हमारे शरीर का जो बेसिक टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब इसको फारेनहाइट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। और ये जो ताप होता है इसको कंट्रोल करने का काम, जो बेसिक कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन करता है। हमारा ब्लड जो होता है वो हमारे शरीर के जो है तापमान को मेन रूप से कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे स्किन भी हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है। जो स्किन होता है वो जो है उत्सर्जन में भी हेल्प करता है, पसीना निकलता है हमारे शरीर से, और जो है साल्ट भी निकलता है हमारे शरीर से। जो पसीना होता है आपका नमकीन होता है, थोड़ा साल्ट उसमें पकवाया जाता है। और ये क्या करता है, ये अवशोषण करता है, मतलब ये जो है एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब एब्जॉर्ब किया, इसने अवशोषित किया, किस चीज़ का अवशोषण किया, आप लोग दवा लगाते होंगे, कोई दवा आपने लगाया है, आपके हाथ में कोई कट गया है, कुछ भी हो गया, तो आपने दवा लगाया तो उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया। कोई क्रीम लगाया आपने फेस पे लगाने के लिए, कोई क्रीम लगाया चेहरा साफ करने के लिए लगाया, उसको भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया। आप लोग तेल मालिश करते हैं उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक। ये क्या क्या काम करता है, इतने काम करता है, ये रक्षा करता है कीटाणुओं से, जिसमें लाइसोजाइम पाया जाता है, ये कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। ये अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे शरीर को बचाता है। इसमें मेलानिन पाया जाता है स्किन में। मेलानिन का क्या काम होता है, मेलानिन जो है रंग को मेंटेन करता है। अगर जिसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा पा गई तो वो जो है डार्क कलर का हो जाएगा, जिसमें कम पाई गई उसका शरीर जो है सफ़ेद टाइप का होता है, मतलब वो गोरा होता है ज़्यादा। लेकिन जो गोरे होते हैं उनमें स्किन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। इससे जो है विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ताप को मेंटेन करता है, ये उत्सर्जन करता है, और ये अवशोषण करता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि जो लेयर होता है स्किन में, कौन कौन सी लेयर पाई जाती है स्किन में। बेसिकली दो लेयर पाई जाती है, एक होती है एपिडर्मिस, एक होता है डर्मिस। अब हम बात कर लें कि एपिडर्मिस में क्या क्या पाया जाता है और ये कहाँ होता है। ये जो एपिडर्मिस होता है ये बाहरी परत होता है, जो सबसे बाहरी परत है हमारे स्किन का, ये जो है एपिडर्मिस है। ये बहुत ही पतला होता है और इसमें जो है ब्लड नहीं पाया जाता है। अगर कहीं आप लोग देखते होंगे कि अचानक कहीं जा रहे हैं आप लोग रोड पे, या कहीं आप लोग घर में ही जा रहे हैं, कहीं हल्का सा ये रगड़ जाता है तो इसमें से ब्लड नहीं निकलता है। तो ये बहुत पतली स्किन होती है, ये एपिडर्मिस होती है, ये सबसे बाहरी परत होती है, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन का वर्ग जो है हमने अभी बताया आपको। अब इसके जो है पांच लेयर होते हैं, जो हमारी एपिडर्मिस होती है इसके पांच लेयर होते हैं, ठीक। अब बात कर लें जो डर्मिस है ये कहाँ पे पाया जाता है। डर्मिस जो होता है ये आंतरिक, ये बाहरी परत है और ये आंतरिक परत है। जो डर्मिस है हमारा, ये हमारा आंतरिक परत है। इसमें क्या पाई जाती है, इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियां हमने पिछले वीडियो में ग्रंथियों वाले चैप्टर में मैंने बता दिया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो दूसरी लेयर है डर्मिस, इसको जो है आंतरिक परत कहते हैं। ये हमारे जो एपिडर्मिस है इसके नीचे पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें बाल होते हैं। आप लोगों के शरीर में जो बाल उगा होता है, आपके सिर पे बाल है, आपके हाथों में जो बाल है, ये सब कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे डर्मिस वाले लेयर में पाया जाता है। जो रोया होता है जिसको रोम कहते हैं, आपके हाथ में रोया निकला होता है पतला पतला, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये डर्मिस में पाया जाता है। थोड़ा नीचे गड़ा हुआ होता है, क्योंकि एपिडर्मिस पे तो कुछ पाया नहीं गया,
इपिडर्मिस सबसे बाहरी परत थी, उसके नीचे जो है थोड़ा और अंदर जाएंगे आप लोग तो उसमें जो है ग्रंथि पाई जाएगी, फिर बाल वगैरह पाए जाएंगे, फिर रोया पाया जाएगा। ठीक, ठंडक कहीं कहीं आप लोग डर जाते हैं तो रोया आपका खड़ा हो जाता है, तो ये सब जो होता है ये डर्मिस में पाया जाता है। इसकी दो लेयर होती हैं, एक नाम होता है पैपिलरी और दूसरा है रेटिकुलर। एक है पैपिलरी, दूसरा है रेटिकुलर। इसका जो काम होता है, इसका वर्क जो होता है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जो जानवर होते हैं उनकी जो डर्मिस लेयर होती है वो थोड़ी मोटी होती है ज़्यादा। अब उसमें जो है क्या होता है, उनका उपयोग जो है कपड़ा बनाने में किया जाता है, चमड़े का कोई कपड़ा होता है उसको बनाते हैं, बैग वगैरह बनाते हैं। इसका उपयोग जो डर्मिस होता है, इसका उपयोग जो होता है औद्योगिक उपयोग में किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूज में किया जाता है। जैसे कि कपड़ा बनाया गया, बैग बनाया गया, आप लोग जो बैग यूज करते हैं वो सब बनाया गया, बेल्ट आप लोग पहनते हैं वो भी डर्मिस लेयर से बना होता है। अगर किसी भी जानवर के कोई कहे कि स्किन से बनता है तो नहीं, उसके डर्मिस लेयर से बनता है, स्किन से ही बनता है, लेकिन उसके एपिडर्मिस लेयर से ना बना करके डर्मिस लेयर से बनाते हैं, जो कि डर्मिस लेयर मोटी होती है। आप बात कर लें जो एपिडर्मिस होता है उसके बाद क्या आया, फिर डर्मिस आया। एपिडर्मिस के नीचे क्या पाया गया, डर्मिस पाया गया। अब डर्मिस के नीचे क्या पाया जाएगा, फैट पाया जाएगा, मतलब जो चर्बी होती है जिसको लोग चर्बी कहते हैं, वसा जो होता है वो पाया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी स्किन जो होती है झुर्रियां पड़ जाती हैं, स्किन में झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि उसमें फैट की मात्रा, सबसे पहले तो एपिडर्मिस है उसके बाद डर्मिस है फिर फैट पाया गया, जो फैट होता है वो कम हो जाता है। जब फैट कम हो गया तो कोई भी चीज़ है अगर फूला है तो उसमें से नीचे का पार्ट निकाल दोगे तो नीचे आ जाएगा। अब अगर फैट कम हो गया है तो उसके बाद जो डर्मिस है वो भी थोड़ा नीचे आ जाएगी, खाली हो गया भाई, नीचे का जगह खाली हो गया। जब फैट खत्म हो गया तो नीचे का जगह खाली हो गया तो ऊपर से जो स्किन है वो झुर्री पड़ जाएगी, उसमें पतली हो जाएगी, तो वृद्ध व्यक्तियों में फैट की कमी हो जाती है जिससे स्किन में झुर्रियां पड़ जाती हैं। ये यंग में भी होता है, जो पतले होते हैं उनके अंदर अगर फैट नहीं है तो उनकी स्किन में झुर्रियां पड़ी होती हैं, जिनका हेल्थ थोड़ा अच्छा होता है उनके शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, वो एकदम बढ़िया चिकना शरीर होता है। अब बात करते हैं कि स्किन की मोटाई क्या होती है, जो हमारी स्किन है उसकी मोटाई क्या होती है, इसके बारे में हम बात कर लें। जो स्किन की मोटाई हो 0.5 से लेकर के 2 mm होती है, 0.5 से लेकर के 2 mm होती है। अब कोई पूछता है कि अगर आपके शरीर में सबसे पतली स्किन कहाँ पाई जाती है, तो सबसे पतली स्किन जो आपका ये पलक है, जो आँख है उसके ऊपर जो ये पलक है, यहाँ की स्किन सबसे पतली होती है। और जो आपका एड़ी होता है उसके नीचे जो तलवा पाया जाता है, सबसे नीचे एड़ी में जो तलवा पाया जाता है उसकी स्किन, और ये आपकी हथेली है, इसकी स्किन मोटी होती है, सबसे मोटी स्किन आपकी ये हथेली और उसके बाद तलवे की होती है। तलवा तथा हथेली की स्किन जो होती है सबसे मोटी होती है। हमने इसमें बात किया लेयर ऑफ स्किन के बारे में, एपिडर्मिस, डर्मिस, जो एपिडर्मिस है उसके 5 layer पाए जाते हैं और डर्मिस के 2 layer पाए जाते हैं। अब जो डर्मिस होता है उसका उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। बात करते हैं जो हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन है, जो हमारा ईयर है, कान है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो कान होता है हमारा, ये सेंस ऑर्गन होता है, कोई बाहर अगर कोई बोला, कोई कुछ बोला तो उसको हम सुनते हैं तो सेंस करते हैं, ये हमारा सेंस ऑर्गन है, ठीक। अब ये जो साउंड होता है ये किस कितनी स्पीड से जो है हमारे कान में जाता है, ये 1/10 second के स्पीड से हमारे कान में जाता है और रिएक्ट करने के बाद हमको सुनाई देता है तुरंत। अब इसके 2 parts होते हैं, एक पार्ट होता है जो बाहरी पार्ट होता है, जो बाहर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं या फिर कर्ण पल्लव कहते हैं। ये जो है बाहरी पार्ट है इसको पिन्ना या फिर कर्ण पल्लव कहा जाता है, ठीक। ये जो हम लोगों में पाया गया ये पिन्ना है, इसको कर्ण पल्लव कहा जाता है। अब ये जो है ये बाहरी पार्ट है, अब ये क्या करता है हमारे शरीर में, भाई है तो, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसका वर्क भी होगा ना, तो इसका वर्क है ये क्या करता है, ये बैलेंस बनाता है, ये बैलेंस बनाने का काम करता है। आप लोग कोई जानवर को देखते होंगे, कभी कुत्ते को आप लोगों ने देखा होगा, तो जो होता है कुत्ता अगर कहीं डर अगर उसको कहीं पे लगा कि कुछ खतरा है उसके लिए, तो उसके कान तुरंत खड़े हो जाते हैं, ठीक। जो जानवरों में है, कुछ जानवरों में ये जो है अवशेषी अंग नहीं है, और हम लोगों में क्या है, ये अवशेषी अंग है, हम लोगों में इसका कोई काम नहीं है, हम लोग इसको हिला डुला नहीं सकते हैं। अगर सोचें कि हाथ जैसे हम उठा रहे हैं, हमारे ब्रेन से जो है ये उठ जाए, सोचे हम कि ये हमारा जो पिन्ना है ये थोड़ा काम करे, ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोगों में क्या है, ये अवशेषी अंग है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स, उनमें जो है ये बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक। हमारे बॉडी में भी ये समझ लीजिए बैलेंस ही बना रहा है भाई, स्ट्रक्चर ठीक ठाक कर रहा है। अब
ये बैलेंस बना है इसने, और ये किसका बना होता है, ये जो होता है ये कार्टिलेज का बना होता है, इसमें बोन नहीं पाई जाती है। ठीक, कुछ फिशें होती हैं, एक बोनी फिश होती है, एक कार्टिलेजिनस फिश होती है, जो कार्टिलेज होता है उसमें जो है हड्डी नहीं पाई जाती है, वो मसल्स होता है। ठीक, तो ये कार्टिलेज का बना हुआ है। ये हम लोगों में अवशेषी अंग है, इसके दो भाग हैं, एक भाग होता है हेलिक्स, जो ये ऊपर दिख रहा है ये हम लोगों का हेलिक्स वाला भाग है, और ये जो नीचे दिख रहा है ये हम लोगों का लैबुला पार्ट है। लैबुला जो ये ऊपर दिख रहा है ये हेलिक्स है, और ये जो नीचे है ये लैबुला है। और लैबुला में क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं वो बाली पहनती हैं, कान में जो है जो बाली पहना जाता है ये लैबुला में ही पहना जाता है, यहाँ पे छेद करवा के पहना जाता है। कुछ लड़कियां होती हैं कि पूरे कान में पहन रखती हैं। ठीक, अब ऊपर वाले पार्ट को हेलिक्स कहा गया, नीचे वाले पार्ट को लैबुला कहा गया। अब इसमें जो होता है, हम लोगों ने तो बाहरी पार्ट के बारे में बात कर लिया, जिसको पिन्ना कहते हैं या फिर कर्ण पल्लव कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि हम जो आंतरिक पार्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। आंतरिक पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो अंदर होता है एक कैनाल पाई जाती है, इसके अंदर एक कैनाल पाई गई। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। ठीक, जिसको कान का पर्दा लोग कहते हैं, ईयर ड्रम पाया गया, उसमें उसके उसमें क्या होता है, जो बाहर से आवाज गई कैनाल से होकर के आवाज अंदर गई तो वहां पे कंपन उत्पन्न हुआ, ईयर ड्रम में जो है कंपन उत्पन्न हुआ। उसके बाद उसने जो है आस्किल्स पाया गया, वहां पे गया आयाम हुआ। जब कंपन यहाँ पे हुआ तो जो ध्वनि हमारे कान में गई थी उसका जो है वो तेज हो गई, उसकी स्पीड जो है बहुत तेज हो गई। अगर ध्वनि हल्की से सुनाई दी तो एयर ड्रम में जो है कंपन हुआ तो उससे जो है इसकी स्पीड बढ़ गई, तेज हो गया, मतलब आवाज हम लोगों को थोड़ा तेज सुनाई दिया अंदर। अब उसके बाद आयाम में जो होता है, तीन पार्ट पाए जाते हैं जिसको हम MIS मिस के नाम से भी समझ सकते हैं शॉर्ट कट। एक होता है मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ठीक, अब जो आस्किल्स है उसके बाद क्या होता है, आस्किल्स के बाद कोचलिया पाया जाता है, कोकलिया पाया गया। कोकलिया क्या होता है, इसमें लिक्विड भरा होता है। ठीक, इसमें जो है लिक्विड भरा होता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर आप लोग ऐसे बाहर अगर एयर में अगर आपने अपने हाथ को हिलाएंगे तो थोड़ा आपको जो है कम ताकत लगानी पड़ेगी, अगर आप लोग पानी में हाथ हिलाएंगे तो आपको जो है ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक, उसी प्रकार से जब यहाँ पे कैनाल से होकर के एयर ड्रम में ध्वनि टकराई, उसके बाद आस्किल्स में गया, वहाँ पे ध्वनि तेज हो गई, उसके बाद यहाँ पे जो है जो लिक्विड पाया जाता है, यहाँ पे लिक्विड में कोकिया जिसको कहते हैं, अब इसने क्या किया, इसने जो है सिग्नल दिया, किसको सिग्नल दिया, कार्पोरा पेंडिकल्स को। कार्पोरा पेंडिकल क्या होता है, हमारे ब्रेन का पार्ट है, उसमें जो है इसने सिग्नल दिया, फिर जो है हमको वो सुनाई दिया। अब हम बताते हैं, यहाँ पे जो है समझ लीजिए कैनाल पाया गया, उसके बाद ये एयर ड्रम हो गया आपका, यहाँ पे जब ध्वनि पहुंची तो यहाँ पे कंपन हुआ, उसके बाद आस्किल्स जो पाया जाएगा, आस्किल्स ऐसे रहता है एकदम घुला मिला, ऐसे यहाँ पे आस्किल्स पाएगा, उसके बाद क्या पाया जाएगा, इसमें जो है लिक्विड भरा होता है। ठीक, यहाँ पे इसलिए जो कोकलिया होता है, यहाँ पे लिक्विड भरा है, इसने सिग्नल दिया कार्पोरा पेंडिकल्स को, फिर उसके बाद में ब्रेन ने वर्क किया, मतलब ब्रेन को सुनाई दिया और हम लोगों को पता चला कि हम लोगों ने क्या सुना है। तो अब हम बात करते हैं जीभ के बारे में, जो हमारा सेंस ऑर्गन है, जीभ भी है, तो जीभ के बारे में हम बात करते हैं। जीभ को इंग्लिश में टंग कहा जाता है, इसको स्नायु भी कहते हैं। अब ये जो है संयोजी ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि कितने इसको पानी में डाल दो ये स्वेलन नहीं करेगा, स्वेल नहीं होगा, मतलब फूलेगा नहीं, कितना भी पानी इसमें पड़ा रहे लेकिन फूलेगा नहीं। ये हमेशा जीभ जो होता है ये हमेशा पानी में ही रहता है, एक हिसाब से लार में ही रहता है, लेकिन ये कभी फूलता नहीं, जैसा है वैसा ही रहता है। ये क्या करता है, ये हमारे वॉइस को कंट्रोल करता है, ये जो है वॉइस को कंट्रोल करता है। वॉइस बॉक्स जो होता है वो हमारा लैरिंग्स होता है, लेकिन जो है वॉइस को ये कंट्रोल करने का काम करता है। जीभ से ही बोली जाती है, आप लोग जानते हैं, अगर जीभ नहीं रहेगी तो आप लोग बोल नहीं पाएंगे। और एक बात और, जो जीभ होता है ये आप पैदा होते हैं तब भी वैसे ही रहता है, और जब आप मरते हैं तब भी वैसे ही रहता है, लेकिन जो आपके दांत होते हैं वो आप पैदा होते हैं तब नहीं होता है, लेकिन आपके उम्र बढ़ने के साथ साथ दांत आपके आते हैं, लेकिन दांत की एक क्वालिटी है वो बहुत अकड़ा रहता है, बहुत ही टाइट रहता है, बहुत ही हार्ड रहता है, लेकिन जो जीभ होती है वो बहुत ही सॉफ्ट रहती है। ठीक, इसी उसी प्रकार से दांत जो होता है कुछ समय के बाद गिर जाता है, बूढ़े होते हैं आप तो दांत आपका गिर जाता है। अगर आप अपने जीवन में भी अगर अपने आप को हमेशा अच्छा बना रहना चाहते हैं, जीभ के तरीके से आप अपने आप को एकदम मुलायम बनाए रखिए, ना कि दांत के तरीके से कठोर। जो व्यक्ति कठोर होता है इस दुनिया में वो चला जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन जो झुक कर चलता है, मुलायम बनाए रखता है अपने आप को, वो जो है पूरी जीवन खुशहाल रहता है। अब
एक बात ये क्या करता है, ये स्वाद को बताता है। आप लोग कुछ खाए, टेस्ट का पता चलता है जीभ से ही हमारे। इसमें क्या पाया जाता है कि ये आपके स्वाद को बता देता है। इसमें कुछ ना कुछ तो पाया गया होगा ना, तो इसमें पाया जाता है 10,000 स्वाद कणिकाएं। मतलब जो टेस्ट बड होते हैं ये लगभग 10,000 पाए जाते हैं, जिससे कि हम जो भोजन करते हैं या कुछ हम खाए या कुछ भी पिए तो स्वाद का पता चल जाता है। अब एक बात और, जो टेस्ट बड होते हैं वो जो आपके जीभ का अगला हिस्सा होता है उसमें बहुत महीन महीन होते हैं, टेस्ट बड बहुत महीन होते हैं। जिस जिस तरीके से आप अपने जीभ के ऊपर जाएंगे, ये देखिए ये आपका निचला भाग, जैसे ही आप ऊपर बढ़ते गए आपके टेस्ट बड का साइज जो है वो बढ़ता गया। आप देखेंगे, आप जीभ में शीशे में देखिएगा जीभ को, आगे आपके जो टेस्ट बड होंगे वो जो है बहुत छोटे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे टेस्ट बड जो है बड़े होते चले जाएंगे। ठीक, अब हम बात कर लें कि जीभ को, जीभ में कौन कौन से पार्ट से किस चीज़ का पता चलता है कि मतलब खट्टा है कि मीठा है कि क्या है। तो जीभ को बेसिकली यहाँ पे जो बीच में जो पार्ट है इसमें जो है कोई टेस्ट बड नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है कोई स्वाद का पता जीभ से, जीभ के अगर बीच में कुछ रख देंगे आप तो स्वाद का पता नहीं चलेगा। इसमें जो पार्ट है ये जो है अग्र अग्र भाग है। ठीक, अग्र भाग में क्या पता चलता है, आपके अग्र भाग में मीठा पता चलता है कि मीठ मीठा क्या है, ये स्वीट को बताता है, स्वीट को बताता है। अब एक अगला हिस्सा होगा, एक पिछला हिस्सा होगा, कोई भी चीज होता है उसका अगला हिस्सा पिछला हिस्सा। जो अगले हिस्से को अग्र कहा गया यहाँ से मीठे मीठे का पता चलता है, जो पिछला हिस्सा है उसको पश्च कहा गया यहाँ से तीखे का पता चलता है। मीठा का अपोजिट तीखा, तो ठीक आगे का अपोजिट पिछला, तो यहाँ से पता चलता है बिटर। बिटर मतलब तीखा, तीखा सामान आपने कोई खाया तो आपके पीछे वाले हिस्से से जीभ के पता चलेगा। अब इसके बीच में जो है ये जो पीछे पाया जाएगा इसको पश्च पार्श्व कहेंगे। पश्च पार्श्व यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से खट्टे चीज का पता चलेगा। ठीक, जो पीछे वाले के थोड़ा आगे पाया जाएगा, जो पिछले हिस्से के थोड़ा आगे पाया जाएगा उसको पश्च पार्श्व कहेंगे, यहाँ से खट्टे का पता चलेगा। और जो अगले हिस्से के थोड़ा ऊपर पाया जाएगा इसको अग्र पार्श्व कहेंगे, यहाँ से जो है नमकीन का पता चलता है, जो नमक होता है इसका पता चलता है। आप लोगों को जीभ के बारे में तो इतना समझ में आया होगा। अब इसको इसको चार भागों में बांटा गया है, एक अग्र, एक पश्च पार्श्व, एक अग्र पार्श्व। जो पिछला हिस्सा होता है वहां से तीखे का पता चलता है, जो अगला हिस्सा होता है वहां से मीठे का पता चलता है, जो पश्च पार्श्व है वहां से खट्टे का पता चलता है। इसमें एक बात और, जो टेस्ट बड होते हैं वो अगले हिस्से में छोटे होते हैं और पिछले हिस्से में बड़े होते चले जाते हैं, और जो बीच वाला भाग होता है इसमें कोई टेस्ट बड नहीं पाया जाता है, इसलिए बीच वाले हिस्से से कभी टेस्ट का पता नहीं चलेगा। अब बात करते हैं नोज के बारे में, जो नाक होता है उसके बारे में बात करते हैं। नाक को हम श्वसन मार्ग बोल सकते हैं। ठीक, ये हमारे रेस्पिरेशन में सिर्फ हेल्प करता है, हमारे जो सांस है हम लोग बाहर से सांस लेते हैं वो सिर्फ रास्ता देता है, ना कि यहाँ पे श्वसन का क्रिया होता है। श्वसन की क्रिया हमारे लंग्स में होती है, लेकिन जो होता है ये श्वसन नाक क्या करता है, ये श्वसन मार्ग प्रदान करता है। अगर आप लोगों का नाक जो है बंद हो जाए, कहीं कहीं कभी कभी बंद हो जाता है, तब क्या करते हैं आप लोग, ठंडियों के सीजन में नाक जो है बंद हो जाता है तो क्या करते हैं, कभी कभी मुंह से सांस लेने लगते हैं। ठीक, ऐसे अब क्या हुआ, अगर मुंह कुछ खराब हो गया, मुंह में भी कुछ खराबी हो गई, तो यहाँ पे आपके लैरिंग्स में पाइप डाल करके आपको ऑक्सीजन दे दिया जाएगा और आपका लंग्स जो है रेस्पायर करता रहेगा। ठीक, उसी प्रकार से ये क्या करता है, नाक क्या करता है, नाक केवल आपके श्वसन को रास्ता प्रदान करता है, इसलिए इसको श्वसन मार्ग भी बोल सकते हैं। नाक क्या है, एक श्वसन मार्ग, यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती है, यह सिर्फ रास्ता देता है कि आप भैया इस रास्ते से होकर के जाइए। अब नाक में क्या पाया गया, बाल पाए जाते हैं। ठीक, नाक के अंदर यहाँ पे बाल पाए जाते हैं, इसमें म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है बाहर से जो डस्ट हमारे शरीर में आ जाते हैं, नाक शरीर में नाक में आ जाते हैं, जो डस्ट सांस लिया आपने कहीं पे धूल गर्दा उड़ रहा है तो वो क्या आपके लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करेगा, यहाँ पे म्यूकस पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, वो क्या करता है हमारे अंदर जो डस्ट गया है उसको वहीं पे रोक देता है। अब रोकने के बाद कुछ समय के बाद आप लोगों को पता चलता है कि नाक से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, वेस्ट मटेरियल निकल रहा है। अब ये क्या करता है, ये सुगंध और दुर्गंध को पहचानने में मदद करता है, ये गंध को सूंघता है। इस किस चीज से ये गंध को सूंघता है, इसमें लगभग 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब पाए जाते हैं, नर्व पाए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब पाए जाते हैं 1 करोड़ लगभग, जिससे पता चलता है कि क्या चीज सुगंधित है और क्या चीज
दुर्गंध कर रहा है। अब जो कुत्ते होते हैं, डॉग स्क्वाड टीम होती है हमारे पुलिस विभाग में, उनका जो सेंस आर्गन होता है उसमें सेंस आर्गन में उनका नोज बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा ऑल्फैक्टिव लोब पाई जाती है, उसमें लगभग बहुत ही ज़्यादा सूंघने की क्षमता होती है। कोई भी चीज़ अगर वो कहीं पे कोई मर्डर हो गया है तो पुलिस वाले पता नहीं लगा पाते हैं, लेकिन जो डॉग स्क्वाड की टीम होती है वो पता लगा लेती है। ठीक, इसी सिर्फ नाक से पता लगाती है, सेंस आर्गन से पता लगाती है। अब जो एक पार्ट बचता है आँख हमारा, आँख के बारे में हम वीडियो दूसरे वीडियो में डालेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा और आँख का वीडियो जो है थोड़ा वो भी लंबा रहेगा। ठीक, दूसरे पार्ट में उसको बताएंगे। आप लोगों को समझ में आया हो तो भी, अगर ना आया हो तो भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।